वी ऑल नो कि माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है, लेकिन इंडियन ब्रांड होना एक ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन माइक्रोमैक्स एक ऐसी ब्रांड है जो कि चाइनीज़ ब्रांड्स के साथ कम्पीट कर सकती है, जैसे कि रियल मी और शाओमी। इन ब्रांड्स के साथ माइक्रोमैक्स अच्छा कंपटीशन रख सकती है लो रेंज फ़ोन्स में, लेकिन फिर भी लोग माइक्रोमैक्स को नहीं खरीद रहे। तो आइए जानते हैं क्यों। सबसे पहला कारण जो मेरे को लगता है कि माइक्रोमैक्स इतना नहीं चल रही है, क्योंकि माइक्रोमैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ़ोन है। जहाँ तक अभी माइक्रोमैक्स ने मुश्किल से 4 या 5 फ़ोन लॉन्च किए हैं, वहीं पे चाइनीज़ ब्रांड का एक फ़ोन हर हफ्ते लॉन्च होता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों कंपनियों के बीच। मतलब चाइनीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली ऑफ प्रोडक्ट्स रेंज भी बहुत ज़्यादा है इस वजह। दूसरी चीज़ है ब्रांड इमेज। अब जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोमैक्स इंडियन मार्केट में नहीं है, ये दोबारा से लॉन्च करी गई है। लेकिन पहले जो माइक्रोमैक्स थी अराउंड 2014-15 के टाइम पे, जिस उस टाइम पे भी माइक्रोमैक्स टॉप पे थी, इस बात में कोई शक नहीं है, सेलिंग टॉप सेलिंग फ़ोन्स माइक्रोमैक्स के थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बाद में पता चला था जब माइक्रोमैक्स बंद हो चुकी थी कि माइक्रोमैक्स के जो फ़ोन थे वो चाइनीज़ ब्रांड्स के फ़ोन ही थे। बस माइक्रोमैक्स उन पर अपना रीब्रांडिंग करके ठप्पा लगा के बस हमें इंडियन मार्केट में दे रही थी, क्योंकि उस टाइम पर चाइनीज़ फ़ोन्स इतने नहीं थे। तो पिछली बार माइक्रोमैक्स का फेल होने का सबसे बड़ा कारण जो था कि वो 4G पर टाइम से शिफ्ट नहीं हो पाया। जैसे कि जियो 4G आया था, जियो सिम पहली थी जो इंडियन मार्केट में 4G लेके आई थी, तो उसी के साथ उन्हें 4G पर शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन वो टाइम पर नहीं कर पाए। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, इसी वजह से उनकी ब्रांड फेल हो गई और वहीं कंपनी भी फेल हो गई। लेकिन इस बार फिर से माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया, जो कि एक अच्छे कुछ अच्छे फ़ोन्स के साथ कमबैक तो किया है, विद सम गुड्स विच हैव सम गुड स्पेक्स ऑब्वियसली। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स के जो फ़ोन्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं। मतलब जो चाइनीज़ ब्रांड ले रही हैं वहीं हमसे इंडियन ब्रांड भी वही चार्ज कर रही है। तो यार क्या फ़र्क रह जाता है, मतलब मेड इन इंडिया का क्या फ़र्क रह जाता है। मतलब तुम हमारे यहाँ पे फ़ोन भी बना रहे हो तो ऑब्वियसली तुम थोड़ा सस्ता दे सकते हो, लेकिन चाइनीज़ ब्रांड उनसे भी ज़्यादा सस्ता दे रही है एक तरफ देखा जाए तो। नाउ लास्ट थिंग जो आती है वो है यूट्यूबर्स। मतलब इंडियन यूट्यूबर्स को मे भी इतना पैसा नहीं मिला, वो भी एक कारण हो सकता है या फिर कुछ और भी। लेकिन हाँ ये भी है कि यूट्यूबर्स भी माइक्रोमैक्स को इतना अच्छे से प्रमोट नहीं करते जितने कि मतलब चाइनीज फोन्स को करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे मानो मत मानो कि ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है, थोड़ी बहुत ऑडियंस ज़रूर इन्फ्लुएंस होती है कि यूट्यूबर्स का क्या कहना है एक ब्रांड के फ़ोन्स के बारे में। और मेरे को नहीं लगता जितने भी बड़े यूट्यूबर्स लाइक टेक्निक रोजी, टेक बर्नर, ये जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ये इतना अच्छा माइक्रोमैक्स के बारे में नहीं कहते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से लोग थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं कि माइक्रोमैक्स एक उतनी अच्छी ब्रांड नहीं है। मे बी वो अच्छी भी हो सकती है, लेकिन मेरा एक दोस्त ने कॉल किया था, उसने बोला कि फ़ोन बहुत अच्छा है, उसने 10,000 के अंदर कोई माइक्रोमैक्स N1 लिया था शायद। तो वो बोल रहा था कि फ़ोन तो अच्छा है, लेकिन दिक्कत वही है कि बड़े यूट्यूबर्स को प्रमोट नहीं करना चाहते, तो इस वजह से कंपनी का नाम उतना नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक मारो, नहीं पसंद आ डिसलाइक मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए है मेरे को साइनिंग आउट। प्लीज़ पुट अ लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो द वीडियो।